सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। भोलानाथ शिव बाबा, स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा निराकार ब्रह्मा तन के द्वारा हम बच्चों को आज कह रहे हैं, भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। साथ में बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, 21 जन्म के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन जाते हैं? 21 जन्म के लिए राजाई पद किन बच्चों को प्राप्त होती है और प्रजा में कौन जाते हैं? तो बाबा कहते हैं, जो मातेले बच्चे होते हैं, बाप पर पूरा पूरा बलिहार चढ़ते हैं, वो बच्चे ही स्वर्ग में जाते हैं। और स्वर्ग में जाने का एक ही आधार है कि किस प्रकार से बाबा ने जो हम बच्चों को कहा है कि बलिहार जाते हैं तो फिर त्याग तपस्या अपने आप होती है। तो बाबा कहते हैं, जिन्हें राजाई पद प्राप्त होता है वो है मातले बच्चे, और जो सतले हैं बलिहार नहीं जाते हैं वो, और वे 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम श्रीमत पर चल अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हो। यहां हथियार आदि की बात नहीं, तुम्हें बुद्धि बल से माया जीत जगत जीत बनना है। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किया है, भोलेनाथ से निराला, गोरीनाथ से निराला, कोई और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला, गोरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। बाबा कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला, तो जरूर कोई भक्तों की आफत उनके ऊपर आई है, भक्तों के ऊपर। भक्तों का रखवाला कौन है? भगवान। रक्षा किसकी होती है? जो आफत में फंसा हुआ है, इन भक्तों का रक्षक शिव बाबा है। भक्तों को भक्ति का फल जरूर मिलता है, मेहनत तो करना है ना। कायदा कहता है पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब है आसुरी संप्रदाय, लेकिन हम कौन है? ईश्वरीय संप्रदाय। वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए कोई अच्छा। सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ एक भोलानाथ बाबा कराते हैं। बाबा कहते हैं, भोलानाथ अगम निगम आदि मध्य अंत का राज वेट समझाते हैं। और कोई मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम, स्वर्ग को जानते ही नहीं। मुक्ति धाम का मालिक है परमपिता परमात्मा। बाबा कहते हैं, तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो, हाँ पुरुषार्थ जल्दी जल्दी करो। एक तो है विकारों का बंधन, दूसरा है कर्म बंधन, उनसे छूटने के लिए श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं, मुझे याद कर अशरीरी बनो, ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में मिल एक होती है, नहीं। तो बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश होंगे। नष्ट मोह बनो,
वो है पतियों का पति, बाप का बाप, गुरुओं का गुरु। तो ऐसा बनने के लिए कौन, श्री कृष्ण जैसा बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। कल पहले भी पुरुषार्थ किया था और सत्य की राजधानी स्थापना हुई थी, फिर हो रही है। इसमें पवित्र रहना है। पति जो सेवा के है वो तुम करो, बाकी सिर्फ पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो वैकुंठ का मालिक नहीं बनेंगे। अब बाप आकर तुम बच्चे को स्वर्गवासी बनाते। पतितों को पावन करने वाला भी वो है, जगत का मालिक भी वो है। तो बाबा कहते अब तुम बच्चियां ज्ञान धन से मनुष्य को देवता बनाओ। कैसे बनाएंगे, ज्ञान धन से। यह तो नॉलेज है, बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई है, और कोई कोई यह नॉलेज है ही नहीं। सब दर दर धक्के खाते रहते हैं। यह हमको बाबा ने कितना साइलेंस मतलब शांति में बिठाया है। शिव बाबा की याद हो तो प्राण तन से निकले, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। नहीं तो ना भी कर्म विनाश होंगे ना मोहजीत बनेंगे, मुक्त भक्ति का फल गंवा देंगे। भाई भक्ति का फल मिला है, क्या है, पुरुषार्थ करना। अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो भक्ति का फल गंवा देंगे। बाबा कहते हैं सब भक्त है ना माया के बंधन में फंसे हुए हैं। इस बात को सोचना समझना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के कुल में जाना है। श्री कृष्ण है फुल पास संपूर्ण चंद्रमा। जब चंद्रवंशियों का समय आता है तो वो अपना राज्य ले लेते हैं, तो नापास क्यों होना चाहिए। फुल पास होना है तो पुरुषार्थ करो। डरने का काम नहीं है, निर्भय निर्भय बनना है। समझना तो पड़ेगा ना, जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, उन्होंने ही भारत को ऐसी दुर्दशा में लाया है। भगवान सर्वव्यापी हो ही नहीं सकते, क्योंकि सर्वव्यापी होंगे तो फिर बुलाएंगे हम किसको। फिर हम भारत पर अटल अखंड सुख शांति का राज्य करेंगे। अभी हम कहाँ हैं, युद्ध के मैदान पर। उसके बाद माने कौन सी युद्ध के मैदान पर, एक तरफ विकार है एक तरफ हमें पवित्र बनना है, राज्यों के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं उसके बाद हम अखंड राज्य करेंगे। वी आर एट वार, हम सब लड़ाई के मैदान पर हैं। यह है सारी योग बल की बात। इनमें तकलीफ तो कोई नहीं, सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना है, फिर ऑटोमेटिकली राजा का तिलक लग जाएगा, वरदान मिल जाता है, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, वहां धन आदि सब अकिचार रहता है, माना बहुत पहले से साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। बामुख का प्यार होता है, विकार की बात ही नहीं है, वो है ही निर्विकारी दुनिया। श्री कृष्ण देखो कितना फर्स्ट क्लास मीठा है। अब ऐसा बनना है, तुमको तो पटरानी बनना है, मेरा तो सिर्फ भजन गाती थी, उनको भगवान थोड़ी मिला है। तो आज बाबा धारणाओं में हम बच्चों को कहते हैं माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जग जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। श्रीमत से स्वयं को विकार के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है, अशरीर का अभ्यास करना है, बुद्धियों की दौड़ी लगानी है। मतलब जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। बाबा कहते हैं संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के,
आनंद के झूले में झूलना, सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना। चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है, उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी वो चमक थी, यहां तो अविनाशी प्राप्ति है, तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, खुशनसीब वो है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सर्व खजानों से संपन्न प्राप्ति स्वरूप आत्मा। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर परमात्मा की याद में रहना है कि परम सितारा सदा मेरे मस्तक के ऊपर चम चम चमक रहे हैं, मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।